every single day. बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े के लिए हमने दो स्लाइस व्हाइट ब्रेड के लिए हैं और दो ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। दो आलू ले लिए हैं, एक कटोरी बेसन ले लिया, 1 teaspoon अजवाइन, 1 teaspoon चाट मसाला, 1/2 teaspoon रेड चिलीज फ्लेक्स और नमक, हल्दी स्वाद अनुसार, 1 हरी मिर्च कटी हुई और ये हरा धनिया कटा हुआ ले लिया है, बेसन लिया है और ये पानी लिया है घोलने के लिए। अब ये ब्रेड को पकौड़े को सर्व करने के लिए हमने ये दो आलू ले लिए और ये थोड़ा सा नमक मिर्च हमने अलग से ले लिया है। ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च और अब इसको हम दबा लेंगे, मैश कर लेंगे। अब ये जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया है इसको हम ब्रेड में डालने के लिए 1 और ये 1 2 क्योंकि हम दो ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं। जिस कटोरे में हमने आलू मैश किए थे उसी कटोरे में हम ये बेसन और ये जो सब मसाले हैं इनको डाल देंगे। और मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर। ये जो हमारा गोल बनेगा ना ज्यादा मोटा होना चाहिए ना ज्यादा पतला होना चाहिए। और एक बात जो स्पेशल टिप है इसके लिए कि जो ब्रेड लेंगे वो 1 दिन पुरानी होनी चाहिए क्योंकि जो थोड़ी टाइट ब्रेड होगी उसके ब्रेड पकोड़े बहुत बढ़िया बनते हैं। अब हम ब्रेड को लेंगे और ये जो एक पैटी है इसको हम इसके ऊपर रखकर अच्छी तरह से इसको हम फैला देंगे कॉर्नर तक और जो दूसरा पीस है उसको इसके ऊपर रख देंगे। ये हमारा एक तैयार हो गया और इसी तरह से हम ये दूसरे को भी तैयार कर लेंगे। ये हो गया। अब इसको हम चाकू की मदद से दो दो हिस्सों में बांट लेंगे और ये ऐसे शेप में कट जाएंगे। अब ये गोल हमारा तैयार है। इसको हमने ब्रेड को स्टफ कर लिया है और इसके ऊपर हमने बेसन को लगा लिया है और अब इसको हम गरम तेल में तल लें। इसी तरह से हम व्हाइट ब्रेड वाला को भी करके और अब इसको आप पलट लीजिए। वो ब्राउन ब्रेड का है, ये हमारा व्हाइट ब्रेड का है और इसको तलने दीजिए। अब इसको हम पलट लेंगे और इसको दोनों तरफ से फ्राई होने देंगे। अब ये ब्रेड पकौड़ा हमारा देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और इसको अब हम एक एक करके निकाल लेंगे। अब ये दूसरे पकोड़े को भी आप निकाल लीजिए। ये हमारा हुआ है, इसको भी खुशबू आ गई और इसको भूख लग गई और मांग रहे। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक सब शेयर एंड क्लिक बेल आइकॉन फॉर माय फर्दर लेटेस्ट अपडेट्स। अब इस पकोड़े को आप काट कर देखिए। ये देखिए ये हमारा स्टफ्ड पकोड़ा है। इसको चटनी के साथ सॉस के साथ खाइए। थैंक यू।